हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज क्रिएशन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कीवी क्रश पुडिंग। कीवी क्रश मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम इसमें कीवी क्रश डाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? 1 कप दूध, 50 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 1/4 कप कीवी क्रश। और अगर आपके पास कीवी क्रश नहीं है, कोई भी तरीके का क्रश पड़ा है आपके पास या जैम है तो आप उसे भी डाल के बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/4 टी स्पून इलायची पाउडर, थोड़े से मेवे कटे हुए, और ये सजाने के लिए मैंने थोड़ी सी जेली ली है। पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन रखेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें हम दूध डालेंगे और इसको उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने लगा है, अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और साथ में इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें पनीर और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, दूध इसका अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, 1/4 रह गया है दूध और एक गाढ़ी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। और गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इस रबड़ी को हम 5 मिनट ठंडा करेंगे और इतना दूध रिड्यूस होने में हमें 10 मिनट का टाइम लगा है। ये रबड़ी ठंडी हो चुकी है और पैन में से हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए और तब तक हम बना लेते हैं एक सिरप। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया है। और इसको आधा कप पानी में घोल लेंगे। और इसी में हम कीवी क्रश मिला देंगे और इसको भी अच्छे से घोल लेंगे। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है और गैस को हमने सिम पे ऑन करके रखा है और कीवी क्रश और पानी को बहुत अच्छे से हमने डिसॉल्व किया है, बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और धीमी आंच पे ही लगातार चलाते हुए इसका सिरप बनाएंगे। सिरप एक जेली की फॉर्म में आना चाहिए। अब ये लगातार चलाते चलाते ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जैसे जेली बनती है ट्रांसपेरेंट, उस तरीके से हो गया है। अभी हम 2 से 3 मिनट इसे और चलाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद इसे उतार लेंगे। अब ये गाढ़ा हो चुका है और इसे इतना गाढ़ा करने में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है, क्रश मीठा होता है अच्छा। अगर इससे ज़्यादा और आप मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून चीनी और डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें। ये दोनों चीज़ें अब तैयार हैं, रबड़ी भी तैयार है और कीवी क्रश वाली जेली भी तैयार है। अब ये इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और अब हम छोटे शॉट ग्लास में भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रश वाली ये थोड़ा सिरप डालेंगे उसके बाद रबड़ी डालेंगे। रबड़ी ठंडी होनी चाहिए और ये जो क्रश वाली जेली बनाएंगे वो गुनगुनी रहनी चाहिए ताकि जब हम सेट करें उसके बाद ये ठंडी हो।
और सेट हो जाए। उसके बाद वापस से हम ये सिरप डालेंगे। और ऊपर से हम एक बार फिर रबड़ी डालेंगे। ऊपर से जेली लगाएंगे और स्प्रिंकलर्स डालेंगे। आपके पास जो भी सजाने के लिए हो, ड्राई फ्रूट्स हो तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और इसको फ्रिज में आधा घंटा रखने के बाद फिर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये मैंने सेवई की कटोरियाँ बनाई हैं और इसमें भी हम इस डेजर्ट को सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला सिरप डालेंगे। और ऊपर से रबड़ी डालेंगे। थोड़ा सा सिरप ऊपर से और डालेंगे सजाने के लिए। और इसमें मैंने ये वाली जेली लगा रही हूँ, बबल गम फ्लेवर में बनाई है, वो लगाएंगे। और ऊपर से हम स्प्रिंकलर्स डाल देंगे और फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसे सर्व करेंगे। तो या तो आप छोटी स्टील की कटोरियों में भी इसे सर्व कर सकते हैं। और ये जो मैंने सेवई की कटोरी बनाई है, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और हम शॉर्ट ग्लासेस में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से सर्व करें।